देखो भाई, सूर्य ढलने को है और गोधूली का समय हो गया है। गायें देखो, इस समय को बोलते हैं गोधूली का समय। वो देखो, सांड ने गोधूली कहते धूल उठा दी, एकदम युद्ध सत्र पे काम शुरू हो जाएगा अभी इनका। ये देखो अपने बच्चे का कैसे हरवा कर रही है। देखो 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 देखो, देख छोटी सी बच्ची है और दूध निकालने लग रही है। या भी निकाल लेगी दूध, या बच्ची या छोटी बच्ची, मैं नहीं कहूँगा कुछ, तू चिंता मत करे, मैं नहीं कहूँगा कुछ। उग्र हो रही है ये, अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए है। ये दूध क्यों पिलाते हैं? अपने पसंद लेगा अपने दूध में। इसका क्या नाम है? दौड़ दौड़ गुजरी गुजरी। और इसका क्या नाम है? गंगे। उसका कनेर। और जिसका दूध निकालने लग रहे उसका जबूर जब्बू। ये कोसी का है, ये खाली खाली कहती नहीं, कनेर कनेर का। हाँ, ये कनेर का बच्चा है। हाँ, कनेर जो गाय मेन गाय है ना। हाँ, इसकी कनेर कनेर का बच्चा है। मादा की वो बैठ गया, बैठ गया आराम कर रहा है। हाँ, तो सभी को साधर नमस्ते जी। हाँ जी, मैं श्याम है, ये दुलंडी वाला दिन है और तारीख है 25। हाँ, मादा ने मेरे पास फोन किया, भाई गाड़ी वाला नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो दूध लेने आ जाओ यार। हाँ, तुम जो कहे ना सेठ जी, सेठ जी। तो मैं था गोरडाश्रम में, तो मैं इसके उस समय चलो मगा, कोई बात नहीं, इनके मजबूरी गाड़ी नहीं आओगे, दूध खराब जाएगा। सुबह भी पिछड़ा था प्या था, हम सुबह भी आ गए थे आश्रम में लेने। तो मगा चलो मैं 5 किलो में श्याम ने भी ले जाऊँ। तो माता ने फोन करा, तो मैं अभी श्याम ने भी आ गया हूँ। अभी गाय गई हुई है, वे आएंगी थोड़ी देर में, तो उसका भी थोड़ा सीन लेंगे। वो बोलते हैं जो श्याम का समय हो ना, जब गायें आती है, तो उसको क्या बोलते हैं? गोधूली का समय। गोधूली गायें के पैरों से जो धूल उठती है ना, उस समय में हमारे समाज में फेरे होते थे श्याम के समय। कहते थे गोधूली के समय ही बच्चों के फेरे करते थे। गायें चर के आती थी ना, उठती थी, उसी समय फेरे हो जाते। आजकल का चलन क्या हो गया, रात में शादी होने लगी। रात की शादी हमारे शास्त्रों में भी नहीं है, वेदों में भी कहीं भी चर्चा नहीं है। हमारे शादी तो होती है गोधूली के समय ही शादी होती थी। तो गाय का बड़ा महत्व होता है हमारे समाज में। और ये जो बछड़ा है ना, भाई का क्या नाम है जो वीडियो बना रहा है? वैर श्री राम वीडियो बना रहा है। इस बछड़े ने इसका क्या नाम रखा है? इसका कनेर नाम है। इसका नाम कनेर। हाँ, इसकी माँ के नाम है? इसका माँ का भी नाम कनेर है। कनेर के नाम से जाना जाएगा यू। जो माँ का नाम हो ना, वो बच्चों का रखा है। हाँ, मादा कह रहा है इसको मैं अपने डेरे का सांड बनाऊंगा। हाँ, तो सांड बनाने के लिए दूध पिलाना पड़ेगा इससे। दूध तो पिलाएंगे, दूध पिलाने के लिए वो देखो बड़ा वो परत वो बड़ा हो गया, वो भी पिला गया सेवा करके। तो इनकी सेवा इतनी, इसने अभी से इसको निर्धारित कर दिया भाई। हाँ, इसको टांड बनाएंगे। टांड बड़ी जबरदस्त है भाई। हाँ, जो टांड है ना, इसका बाप भी बहुत बढ़िया है। अच्छा। हाँ, यो फिर बैठ क्यों गया, दुखी हो रहा है? ये दुखी आज कल इतना होया ना, कल तो सुबह खींच दी थी। हाँ, वो इनका ही, वो इसी की माँ की। हाँ, इसकी माँ का ही था। बहुत बढ़िया। अभी मैं भाई तक कहूंगा, देखो इधर घुमा दे एक बार डेरे की तरफ कैमरे को। अभी देखो को गाय आई नहीं है, गाय आएंगी तो पूरा डेरा पक जाएगा। और वो बहन जी देखो चूरी बेल लग रही है, और बहुत शानदार दृश्य है। सूर्य सुबह जब आते हैं तो उस तरफ होता है, अब उस तरफ है। तो भाई देखो ये भी सांड बनेगा। ये भी सांड लेने। अच्छा, यो भी सांड बना रखे है भाई। इसका क्या नाम है? इसका मदरिया नाम है। मदरिया। अच्छा, मदरिया नाम है। तो इन है ना, टाइम टू टाइम सांड बदलने पड़े हैं डेरे में, क्योंकि जब उसकी बच्ची आ जाए ना, तो उस सांड को हटाना पड़े है, फिर दूसरा सांड तैयार करना पड़ा है। अब ये होगा, उसके बाद फिर वो होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आगे फिर दिखा देंगे जब गाय आएंगे। धन्यवाद। देखो भाई, सूर्य ढलने को है और गोधूली का समय हो गया है। गायें देखो, इस समय को बोलते हैं गोधूली का समय। वो देखो, सांड ने गोधूली कहते धूल उठा दी, वो उठा दी उड़। तो गोधूली का समय है और गायें आते हुए, हाँ ये देखो जान लग रही बछड़ी, ये अपनी माओ को ढूंढ लेंगे अभी। तो ये गोधूली का समय, अरे ये मादा ने बड़द क्या कदर दिया है भाई, यो बैल है इसका। थोड़ा इस तरह ज्यादा खिला कर मादा। अच्छा, चाफारा बन जा है ये विक्रम। आगे आगे और गायें आ गई हैं, उधर बच्चे बोल रहे हैं और इधर गायें बोल रही हैं अपने बछड़ों को। देखो उधर से आवाज आ रही है बछड़ों की, ये छोटा बगी के नीचे ये यो रहा।
अच्छा 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 इसका है, इसका। बड़ी जबरदस्त गाय है भाई ये तो। वाह भाई वाह, बड़ी शानदार गाय। देख एकदम युद्ध सत्र पे काम शुरू हो जाएगा अब इनका। ये देखो अपने बच्चे का कैसे हरवा कर रही है, देखो 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 देखो, ये बग्गी के नीचे बांध रखा है धूप धाप तो बचाना, छोटा है ना। देख देखो कितनी एकदम देखो। एकदम काम छिड़ गया, काम छिड़ गया पूरा। ये कनेर का बच्चा, कनेर का, ये कनेर है और ये इसका बच्चा। साथ साथ हो लिए, देखो देखो देखो, महिलाओं का बहुत जबरदस्त काम होता है इनका भी। मैं कुछ नहीं कहूंगा तेरे बेटे को, मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं नहीं कहूंगा कुछ, तू चिंता मत करे, मैं नहीं कहूंगा कुछ। उग्र हो रही है ये, अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए है। ये दूध क्यों पिलाते हैं? अपने पसंद ले गए अपने दूध में। अच्छा हाँ। थोड़ी खुश हो जाएगी या? हाँ। कुछ आदमी प्रश्न पूछे हैं भाई, ऐसे धार क्यों मारते हैं? थोड़ा थोड़ा टेस्ट कराना पड़ा है, खुश हो जाए फिर वह। हाँ। ये देखो ये छोटी सी बच्ची है, देख छोटी सी बच्ची है और दूध निकालने लग रही है। या भी निकाल लेगी दूध या बच्ची? हाँ? या छोटी बच्ची उकाल लिया। ये कितनी उम्र होगी तेरी? भाई। कितनी उम्र होगी? कै साल की होगी? 13 की। ओ बड़ी मेहनत कर रही बेटी तो भाई, दूध निकाल ले हैं। अरे भाई क्या नाम है? अनंता, अनीता। वाह आई जो वो आई, अरे वाह भाई वाह, वो सफेद वाली आई, ये इनकी माँ है। क्या नाम इसका? गुजरी नाम है, गुजरी 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 गुजरी। ले भाई ये काम है इनका, नाम लिया रे आ गया आगे ने। और यो काली और परली वो नहीं है? वो दोनों बहन है। अच्छा इनकी माँ बेच दी थी गौशाला में मोरथल। अब मैं बुलाऊं था, मन्ने बुलाई है, ठीक है चलो। ये नुका क्यों बुलाई? इसका क्या नाम है? दौड़ दौड़ गुजरी गुजरी। और इसका क्या नाम है? गंगे। उसका कनेर, और जिसका दूध निकालने लग रहे उसका जबूर जब्बू। भाई ने मेरे को बोल दिया खाट पर बैठ जा तू, तेरे को ये कुछ नहीं कहेंगे। खाट पर बैठते नहीं सोचे को घर का आदमी है, खाट पर बैठे है तो हाँ जी ठीक है जी धन्यवाद। अब मैं निकल रहा हूँ। विक्रम ये बेटी किसकी है? तेरी बहन है बेटी है, है? ये दूध निकाल ले यार, अभी देखी ना मैंने, 13 साल की है। हमारे तरफ तो है? ये कह रही थी अभी 12 साल 2 महीने की और दूध निकाले है। ये गजब है भाई बेटी, 40 किलो। ए तो बहुत मेहनती है। के नाम बता था इसने? अनीता। अनीता नाम है इसका। बहुत बहुत आशीर्वाद, परमात्मा तेरे को खुश रखे और तू खूब तरक्की करे। बहुत बढ़िया, दूध निकाल लेती है गायों का। और पढ़ नहीं गई? पढ़ती थी पहले और फिर यहाँ पे आ गई। अब इसका मन उधर नहीं लगेगा। ठीक है भाई विक्रम धन्यवाद। समस्या है विक्रम भी सबके पास कांटेक्ट कर रहा है संपर्क के, दूध लेने आ जाओ गाड़ी नहीं आएगी। ठीक है, सबके पास फोन करना पड़ेगा अब इनको। क्या बोले? क्या बोले अच्छा ये कहेंगे आना पड़ेगा। अच्छा ठीक ठीक ठीक
वो दूध ज्यादा फिर एकदम हजम नहीं होगा उनका, और जो गाय के दूध में पेट रह गया तो वो गड़बड़ हो जाएगी, वो गड़बड़ हो जाएगी, वो तो ओढ़ी में उनमें दिक्कत आ जाएगी।